हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिफ्थ क्लास के ईवीएस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा एंड नेहा स्टडी इन सेम स्कूल। पूजा और नेहा एक स्कूल में पढ़ाई करते थे। वन डे पूजा वॉज वेरी सैड। एक दिन पूजा बहुत दुखी थी। नेहा आस्क्ड हर, तो नेहा ने पूछा, Why are you so sad today? आज आप इतने परेशान क्यों हो? तो पूजा बताती है, My father is ill. मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही है। नेहा said, Don't worry, पूजा। नेहा बोलती है, पूजा चिंता मत करो। We shall talk in detail during recess time. Uncle will be fine soon. पूजा चिंता मत करो, हम लंच के समय इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। During recess time, नेहा, Yes, पूजा, Tell me. What happened to your father? हाँ पूजा, अब मुझे बताओ आपके पिताजी को क्या हुआ। तो पूजा बताती है, Father has been suffering from high fever since yesterday. मेरे पिताजी की कल रात से तबीयत खराब हो रही है, उनको बुखार आ रहा है। नेहा, Did he visit the doctor? क्या वो डॉक्टर के पास गए? पूजा, Yes. Doctor has given him medicines. My grandmother and Tauji taking care of him. हाँ, डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दी। मेरी दादी जी और ताऊजी उनकी देख रेख कर रहे हैं। नेहा, Then why are you worried? All are there in your family. फिर आप क्यों परेशान हो? आपकी फैमिली के सभी मेंबर उनके साथ हैं। पूजा, Yes, all member of my family live together. हाँ, मेरे परिवार के सभी लोग हम साथ में रहते हैं। Grandfather, grandmother, दादाजी, दादी जी, अंकल, ताऊजी, आंटी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी and their children. We all live together. और उनके बच्चे, हम सभी साथ में रहते हैं। नेहा, Don't worry. All are taking care of your father very well in your family. चिंता मत करो, आपके परिवार के सभी लोग आपके पिताजी की देख रेख अच्छे से कर रहे हैं। See, he will be fine within 2 or 3 days. देखो, वो जल्द ही 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। In my family, there are my father, mother and my younger brother only. मेरे परिवार में तो बस मेरा छोटा भाई, मेरे पापा और मेरी मम्मी ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूजा और नेहा की कन्वर्सेशन से हमने ये देखा कि दो तरीके की फैमिली होती है, एक बिग फैमिली और एक स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में केवल मम्मी पापा और उनके बच्चे ही रहते हैं, और बिग फैमिली में सब परिवार वाले साथ मिलके रहते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी और उनके बच्चे। जो स्मॉल फैमिली होती है उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, और जो बिग फैमिली होती है उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो समझ में आया आपको न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के अंदर डिफरेंस? चलो आगे बढ़ते। अब आपको ये एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको आपकी नोटबुक में करनी है। इसके अंदर क्या है, इधर तो फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखा है और इधर लिखा है, डू दे लिव विद यू और एनीवेयर एल्स? क्या वो आपके साथ रहते हैं या कहीं और? अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आपको यह लिखना है यस। जैसे ग्रैंडफादर, अगर ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हैं तो यहाँ पे लिखना है यस, नहीं रहते तो नो। उसके बाद अगर वो नहीं आपके साथ नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं, उस जगह का नाम लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते। इन प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। पिछली क्लास में आपने न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा। इन न्यूक्लियर फैमिली देर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रेन। जो छोटा परिवार होता है, न्यूक्लियर फैमिली होता है, उसके अंदर केवल पेरेंट्स ही, माता पिता ही अपने बच्चों की देख रेख करते हैं। वाइल इन जॉइंट फैमिली, जबकि बड़े परिवार जॉइंट फैमिली के अंदर ऑल फैमिली मेम्बर कोऑपरेट विथ हेल्प ईच अदर। सभी फैमिली मेम्बर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब आपको इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। हु आर योर नेबर्स? आपके पड़ोसी कौन हैं, उनके नाम लिखिए। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज? इन परिवारों में कितने लोग रहते हैं? हाउ इज़ द वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग देम? और उन्होंने अपना काम किस तरीके से बांट रखा है? हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन नेबरहुड? और आपके पड़ोस में कितनी जॉइंट फैमिलीज रहती है? तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ पूजाज फैमिली वॉज अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर पूजा की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली होती, एक छोटा परिवार होता, देन हु वुड टेक केयर ऑफ हर? तो उसके पिताजी की देख रेख कौन करते? तो बताइए स्टूडेंट्स, कौन करते? बिल्कुल सही जवाब आपका, उनकी माता जी और
पूजा। तो चलिए आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है हमारा हेरिडिटरी ट्री। इसके हेरिडिटरी ट्री क्या होता है, ये हमें बताता है कि हमारे परिवार की, हमारी फैमिली की कहाँ से शुरुआत हुई, हमारी फैमिली में सबसे पहला मेंबर कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ऐसी एक ट्री इसने, पूजा ने बनाया है। तो इस ट्री के अंदर पूजा ने क्या बनाया है कि एक साइड तो अपनी फैमिली के सारे मेल मेंबर्स का नाम लिखा है और दूसरी साइड उसने लिखा है अपनी फैमिली के फीमेल मेंबर्स का नाम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूजा ने लिखा है रामलाल। रामलाल कौन है, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी उसके पिताजी के दादाजी। रामलाल के बाद रोशनलाल उसके दादाजी, फिर संजय उसके पिताजी और पूजा वो खुद। ऐसे ही उसने फीमेल मेंबर्स का नाम लिखा है, सबसे पहले लिखा है मिश्री बाई, उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर पापा की दादी जी, लक्ष्मी देवी ग्रैंड मदर दादी जी, मीनू मदर एंड पूजा सेल्फ। नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली। इसी ट्री को देखते हुए आपको भी आपका आपकी फैमिली का ट्री बनाना है आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेके। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम नेहा आस्क्ड हर फादर। स्कूल से वापस आने के बाद नेहा ने अपने पापा से पूछा वाई डोंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर चाचा चाची लिव विथ अस, कि पापा दादाजी दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते। फादर वाई हैज आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन सिटी, क्यों हमारा परिवार इतनी दूर सिटी में जाके रहने लगा। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज, क्या हम सब साथ में गांव में रह के ही काम नहीं कर सकते और क्या हम सब गांव में ही एक साथ नहीं रह सकते। थिंक एंड टेल, तो बच्चों सोचो और बताओ। वॉट माइट हैव नेहाज फादर आंसर टू हर, नेहा के पापा ने उन्हें क्या जवाब दिया होगा। दीज डेज इन सर्च ऑफ वर्क और हायर एजुकेशन फैमिली हैव स्टार्ट मूविंग माइग्रेटिंग टू सिटीज, अभी के टाइम में लोग अच्छे काम की तलाश में और अच्छी एजुकेशन की तलाश में गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ जाने लग गए हैं। इन सिटीज हाउस आर स्मॉल वेयर ओनली अ फ्यू पीपल कैन लिव, शहरों के अंदर घर छोटे छोटे होते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग ही रह सकते हैं। तो जॉइंट फैमिली आर कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर फैमिली, तो इसी वजह से जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने लगी है, बड़े परिवार टूट के छोटे होने लगे हैं। देयर आर सम अदर रीजन ऑल्सो स्प्लिटिंग जॉइंट फैमिली, इसके अलावा भी और कई रीजन्स है जो जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं। कॉन्स्टेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, और कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है फैमिली मेंबर्स के अंदर जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो चेंजेस क्या है चलिए देखते हैं। देयर हैबिट्स, उनकी हैबिट्स के अंदर चेंजेस आ रहा है, उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ रहा है। इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से बड़े परिवार से छोड़ के हम छोटे परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं। और कैपेसिटी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का तरीका, उनका इनकम और एक्सपेंडिचर का तरीका। तो ये कई सारे रीजन्स है जिसकी वजह से आज के टाइम में हम बड़े परिवार से छोटे परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगला टॉपिक है अपना अडॉप्शन। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वेंट ऑन अ पिकनिक एट अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल, एक बार बारिश के मौसम में पूजा और नेहा पिकनिक पे गए अपने स्कूल से कुछ दूर। दे एंजॉय एंड प्लेड विद देयर फ्रेंड्स इन अ गार्डन, वो अपने दोस्तों के साथ गार्डन में खेल रहे थे। टेकिंग लंच इन गार्डन, गार्डन में उन्होंने अपना लंच किया। अरुण आ क्लासमेट, उनका एक क्लासमेट था अरुण नाम का बच्चा, उसने पूछा आस्क्ड मयंक, उसने मयंक से पूछा हु इज शी विथ यू, ये आपके साथ कौन है। तो मयंक बोलता है दिस इज माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है अरुण। शी वॉज नेवर सीन विथ यू अर्लियर, पर आज से पहले तो इसको कभी आपके साथ नहीं देखा। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये सब अचानक ही कैसे हो गया। शी इज न्यू टू आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली का एक नया मेहमान है। माई पेरेंट्स हैज अडोप्ट हर, मैंने मम्मी पापा ने इसे गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन टू माई पेरेंट्स, जैसे कि मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ। द सेम वे, ठीक वैसे ही शी इज द डॉटर टू माई पेरेंट्स, ये मेरे मम्मी पापा की बेटी है। सो दिस इज माई सिस्टर, तो ये मेरी बहन हुई। शी इज वेरी डियर टू मी, ये मेरे बहुत ही करीब है। शी वॉक विथ मी एंड इमिडिएट मी, ये मेरे साथ चलती है और बिल्कुल जैसा मैं करता हूँ वैसे ही ये मेरे को कॉपी करती है। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और
और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। जब कोई लीगल प्रोटेक्शन के द्वारा, कानूनी कार्रवाई के द्वारा किसी रिलेटिव के बच्चे को या किसी दूसरे बच्चे को गोद लेता है तो उसको बोलते हैं अडॉप्शन। तो समझ में आया बच्चा आपको? चलो इसके साथ अगला टॉपिक देखते हैं अब। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विथ हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज। पूजा की बहन ज्योति अपनी मम्मी के साथ उसके मामा जी की शादी अटेंड करने के लिए गई। हर मौसी जी ऑल्सो केम देयर। वहाँ पे उसकी मौसी जी भी आ रखी थी। शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल ऑन हर लैप। उनके पास एक छोटी सी बच्ची थी, ज्योति सेड। तो ज्योति ने बोला, मदर सी, मम्मी देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, ये गुड़िया कितनी प्यारी है। ओ सी सी हर नोज, देखो देखो इसका नाक। रीअसेंबल्स नानीज, इसकी नाक बिल्कुल नानी जैसी है। हर आइज रीअसेंबल चाचीज, और इसकी आंखें चाची जी जैसी। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट द ग्रैंडफादर, और इसका गोरा रंग बिल्कुल ग्रैंडफादर जैसा है। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज लाइट वाइटिश, और इसके जो भाई का फेस है वो थोड़ा सफ़ेद कलर का है। तो अब आपको ये क्वेश्चंस पढ़ो और इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखो। ये टेबल्स आपको बनानी है और इसको अपनी नोटबुक में लिखनी है। इस टेबल के अंदर क्या करना है बेटा आपको, कि विच ऑफ योर फिजिकल फीचर रीअसेंबल योर फैमिली मेम्बर। आपका कौन सा फिजिकल फीचर आपकी फैमिली, कौन से फैमिली मेम्बर से मैच होता है। लाइक आपकी आपका फेस किसके जैसा दिखता है, मम्मी जैसा, पापा जैसा, दादा जी जैसा, चाचा जैसा, वो आपको इधर लिखना है। ऐसे ही फेस, आइज, नोज, फोरहेड, ईयर्स एंड अदर्स। फिर ज्योति बोलती है, मदर मदर, मम्मी मम्मी, इन माय क्लास प्रीति राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। मम्मी, मेरी क्लास में प्रीति नाम की एक लड़की है जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही प्यारी है। शी हैड बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस, और उसको कई बार अपनी हैंड राइटिंग की वजह से प्राइज भी मिल चुका है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, तुम अपने सीधे हाथ से क्यों नहीं लिखती। वी ऑल डू यूज आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, हम सभी अपना सीधा हाथ यूज़ करते हैं लिखने के लिए। शी सेड, तो उसने बोला, आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड, मैं अपने सारे काम अपने उल्टे हाथ से ही करती हूँ। I tried to write with my right hand, but I couldn't. मैंने अपने सीधे हाथ से लिखने की कोशिश की बट मैं लिख नहीं पाई। तो आपको उस टेबल के ऐसे, इस टेबल को भी कंप्लीट करना है। इस टेबल में क्या है कि विच ऑफ योर हैबिट मैच विथ विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर, आपकी कौन सी हैबिट आपके फैमिली मेम्बर से, किस फैमिली मेम्बर से मिलती है, उसको आपको लिखना है। लाइक आपकी राइटिंग, आपके लिखने का तरीका आपके किस फैमिली मेम्बर से मिलता है, आपका खाने का तरीका, आपके पीने का तरीका, आपके चलने का तरीका किस फैमिली मेम्बर से मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो सब ये टेबल बना लेना। चलो आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, पेटर्नल ग्रैंडफादर्स एंड मैटर्नल ग्रैंडफादर्स। जो बच्चों के जो फीचर्स है वो अपने मम्मी पापा से मिलते हैं और मम्मी पापा के अलावा पेटर्नल ग्रैंडफादर्स यानी उनके दादा दादी या मैटर्नल ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी से भी मिल सकते हैं। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक और हेरिडिटी फीचर्स। इन्हीं फीचर्स को हम बोलते हैं जेनेटिक या फिर हेरिडिटी फीचर्स। दीज फीचर्स आर पास्ड इन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये फीचर्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते जाएंगे। मतलब पहले आपके दादा दादी या नाना नानी से वो फीचर्स आपके पापा मम्मी को मिले, फिर आपके पापा मम्मी से वो आपको मिले। चिल्ड्रन इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट विच आर नॉट हेरिडिटरी। कुछ बच्चों को जो फीचर्स एनवायरनमेंट के द्वारा मिलते हैं वो हेरिडिटरी के अंदर काउंट नहीं होते। डू यू नो, क्या आप जानते हो, ग्रीगोर जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट डिस्कवर द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च करके हमें फंडामेंटल ऑफ इनहेरिटेंस का लो दिया कि हम अपने मम्मी पापा जैसे या अपने दादा दादी जैसे क्यों दिखते हैं, उनका क्या रीज़न है। तो उन्होंने ये हमें लो बताया और इसी की वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक भी बोला जाता। जो अगले साइंटिस्ट हैं वो हमारे इंडिया के हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रोट अ सर्वल रिसर्च पेपर ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड फॉर नोबल प्राइज, और इसी के लिए इनको नोबल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। सरिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी
आर लाइक आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। अब सरिका समझ चुकी थी कि हम अपने पेरेंट्स या फिर अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स की तरह ही होते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।